कट लग गया, अब भरते रहो। आराम रहो, क्या करोगे आराम से, मेरी जान कीमती बहुत है। और अब चली है मेरी गाड़ी 19,516। वैसे मेरी मालिश आ रही थी 10 से भी थोड़ी सी नीचे थी जैप मोड पे, ट्रैफिक जैम में चलाया है, काफी भीड़ भाड़ भी थी, क्योंकि जिप मोड पे गाड़ी ने मुझे माइलेज कम से कम। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल, मैं आपका कुलदीप कौशिक। भाई बताया था मैंने आपको कि जिप मोड पे मेरी गाड़ी क्या माइलेज देती है, और आपको मैं अपडेट करता रहता हूँ कि जैप पे तो मैं ट्राई कर सकता हूँ। तो आज अभी जा रहे हैं सीधा पेट्रोल पंप पे, और मेरी गाड़ी 19,500 किलोमीटर से ऊपर चल चुकी है। मैंने डीजल डलवाया था ये 18,845 पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। डीजल भरवाने चलते हैं पेट्रोल पंप के ऊपर, इंडियन ऑयल से भरवाऊंगा मैं, और देखते हैं कितना इसमें डीजल आएगा। लेकिन 19,515 के आसपास इसमें रीडिंग आएगी। इससे ये अंदाजा लग जाएगा कि यार हमें जिप पे गाड़ी चलानी चाहिए कि नहीं चलानी चाहिए। मैंने लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे कि अभी जिप पे की हुई है, मैं ना कम से कम 40 किलोमीटर में ऐसे हैं जो मैं भूल गया था कि यार जैप मोड पे चल रही है, जिप पे कर लूँ। बट जैसे याद आया मैंने उसको जिप मोड पे कर लिया था, और पर कोशिश ये की है कि 90% जिप मोड पर चले और एक जेन्युइन सा फीडबैक आप लोगों को मिले। सफारी आ चुकी है, सफारी ने है डीजल में ही, सेम पावर है, सेम टॉर्क है, लेकिन फेस लिफ्ट के नाम से आ गया है, मैंने बता दिया है आपको। अच्छे काफ़ी चेंजेस इस पर किए गए हैं, अपग्रेड्स किए गए हैं इसके अंदर, और फ्रंट भी चेंज कर दिया गया है। हालांकि थोड़ा बहुत ही फ़र्क है, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक टेलगेट का आपको अपडेट मिल ही गया है। स्टीयरिंग का जो सबसे बड़ा इशू आता था सफारी में, हैरियर में, स्पेशली ट्रैफिक जैम के ऊपर, वो भी इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। आई एम रियली वेरी हैप्पी, और बहुत से जो सफारी लवर हैं वो बहुत खुश होंगे, हैरियर लवर हैं, कि चलो टाटा ने उनकी बात सुनी और एक अच्छी गाड़ी दी। और जहाँ तक मेरा ख्याल है ये गाड़ी इनकी काफ़ी अच्छी चलेगी, कोई प्रॉब्लम इस गाड़ी में नहीं थी, बस थोड़ी बहुत अपग्रेड्स थे वो कर दी हैं। प्राइस भी आ चुका है, और इसका जो प्राइस है फ्रेंड, मैंने आपसे बताया था बिना देखे हुए, जो मॉडल आपको पसंद आएगा, जिस जिसके अंदर ऑटोमेटिक भी होगा और जिसके अंदर ये थोड़ा सा इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग भी होगा और 12 इंच की स्क्रीन भी होगी, इलेक्ट्रिक टेलर तो मुझे पता नहीं, पर 25 से के आसपास लाख में आपको ये गाड़ी मिल जाएगी। और हालांकि टॉप मॉडल इसका 30 लाख तक जाने वाला है। भाई अब आगे हम डीजल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पे। सेठ जी पूरा लबालब करना है, तो कटपट कम लगे हैं, एक बार कट लगे ये नो लाइट चली जाए आपके हैं, हाँ लगातार भरना है मेरे को, तो अभी देखते हैं भाई। जीरो आप भी देख लीजिए। हाँ हाँ जी, स्टार्ट कीजिए। ये स्टार्ट हो गया है, प्राइस है 90 रुपये 5 पैसे। भैया लबालब भरना ऊपर तक है, ठीक है। 41 लीटर इसमें आ चुका है, और अभी भी भरे जा रही है, पिए जा रही है पेट्रोल, ये डीजल पी रही है वैसे तो ये, और मुझे उम्मीद है कि 50 से तो ऊपर ही आएगा, और 50 तो हो ही गया, ज़्यादा ही पी जाइए भाई। अरे कट लग गया, अब भरते रहो ऊपर तक ले आओ, इसमें कट लग गया था, कट 54 पे लगा था, और अब देखते हैं। आराम रहो, क्या करोगे आराम से, मेरी जान कीमती बहुत है, आराम रहो। जहाँ आपकी दोस्त है ना वहाँ तक ले आना बस, तो कुछ ज़्यादा ही डीजल आ गया अभी, कैपेसिटी काफ़ी है बस। ए ए ए ए छोड़ना छोड़ना, थोड़ा सा और कर दो भाई, इतना ही भाई, छोड़ दो, इतना ही था, ठीक है भाई, इतना ही था। अब देखते हैं कितना आया इसके अंदर, 57.31। अब निकालेंगे इसकी माइलेज। अभी मेरी गाड़ी में जो रीडिंग है वो 19,516 है, और जब मैंने गाड़ी में डीजल भरवाया था तो 18,845 थी, तो यानी कि मेरी गाड़ी चल चुकी है 671 किलोमीटर। डीजल आया इसमें अभी 57.31, यानी कि इसने मुझे 11.79 के समथिंग माइलेज दिया, सामने स्क्रीन में दिखा दूंगा, तो 11.5 के आसपास माइलेज ने मुझे दी है। वैसे मेरी माइलेज आ रही थी 10 से भी थोड़ी सी नीचे थी जैप मोड पे, यानी कि देखा जाए तो 12 से तो नीचे रही है, क्योंकि मैंने गाड़ी को काफ़ी ट्रैफिक जैम में चलाया है, काफ़ी भीड़ भाड़ भी थी, और खड़ी भी रही गाड़ी, कभी वीडियो बनाते हुए बच्चे को स्कूल लेने गए हैं, ऐसे लिया है वो लिया है, रेड लाइट भी रही, तो यानी कि आउटकम क्या निकलता है इसका, अगर हम अभी भी मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं इसको जिप मोड पे ही कर लेता हूँ,
क्योंकि जिप मोड पे गाड़ी ने मुझे माइलेज कम से कम 2 किलोमीटर की एक्स्ट्रा दी है। 2 किलोमीटर का मतलब हो गया है कि मेरी गाड़ी चली है, अगर 50 लीटर डीजल कंज्यूम किया है तो 100 किलोमीटर, 100 नहीं तो मान लूं कि मैं 80 से लेके 100 किलोमीटर तक एक्स्ट्रा मेरी गाड़ी चल गई है जिप मोड पे। तो अब आप बताना कमेंट बॉक्स में कि ये ठीक है, लुक्रेटिव है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो फर्क तो पड़ गया है, कम से कम 80 से लेके 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा चली है। तो ये मैंने जो करके दिखाया आपको जिप मोड पे करके दिखाया है। अगर आपके पास भी स्कॉर्पियो एन है तो कोशिश करें कि जिप मोड पे चलाएं, वैसे आपकी मर्जी है, गाड़ी आपकी है। और इको मोड अगर गाड़ी में आपकी है तो इको, क्योंकि बहुत सी गाड़ियों में जैसे सफारी वगैरह में या इको स्पोर्ट वगैरह में बहुत सी गाड़ियों में इको मोड भी आता है। तो यानी कि इको मोड और जिप मोड दोनों बराबर होते हैं, फर्क तो पड़ता है। और 1.5 से 2 किलोमीटर का फर्क पड़ना आई थिंक काफी है। 10 से भी कम थी मेरी माइलेज जैप मोड पे थी। वैसे तो देखो ट्रैफिक जैम में मैंने सेम कंडीशन में यूज किया है, 3 अक्टूबर को मैंने गाड़ी में डीजल डलवाया था और आज है 19 अक्टूबर, तो यानी कि मोटा मोटा कितना टाइम हो गया, 16 डेज, 15-16 दिन मेरी गाड़ी का डीजल चल गया है। और मैं रियली हैप्पी हूँ कि वैसे तो 15 छुट्टियां बीच में पड़ गई थी, 15,000 का मेरा डीजल लगता है पर मंथ, और अब की लग रहा है 11-12 में ही काम चल जाएगा। तो जिप मोड हो या इको मोड हो ट्राई कर लेना, अच्छा रहता है। पर आदमी कई बार भूल जाता है इसको, जैसे मैं भूल जाता था, पर फिर भी 40-50 किलोमीटर से जैप मोड पे चली होगी। एसी भी मैंने, अभी भी गाड़ी का मेरा एसी ऑन है, एसी ऑन रहा है हमेशा। और छोटा सा इनपुट था, सोचा आपको दे दूं। फ्रेंड्स जल्दी मिलते हैं किसी इन्फॉर्मेटिव व्लॉग पे। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको कुछ, आप टाइम निकालते हो इतनी बिजी लाइफ से मेरे लिए, तो एंड ऑफ द व्लॉग आपको कुछ थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव मिल जाए, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है। अच्छा लगता है तो भाई का मोटिवेशन ऐसे ही बढ़ाते रहिए। थैंक यू वेरी मच। लोगों को शेयर करना कि भाई जो जिप मोड पे इको मोड पे चलाते हो तो फर्क तो पड़ता है, माइलेज के अंदर पैसा बचता है। और मैं उन लोगों में से हूँ, मैं एक एक रुपए के लिए, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि एक रुपए पे मरता हूँ, पर एक एक रुपए को बचाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ, बिकॉज 1 रुपीज सेव्ड इज 1 रुपीज अर्न्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग कौशिक व्लॉग। जय हिंद, जय भारत।